हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो MT-03 के ऊपर होने वाली है, जो अभी 15 दिसंबर को ही R3 के साथ लॉन्च हुई थी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है बाइक में, वो आपको स्पोर्टी लुक देती है यामा R3, और ये जो है MT-03 वो नेकेड बाइक में आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइक में अगर अपन फ्रंट फेस की बात करें तो LED हेडलाइट आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, और साथ ही में डुअल आई पोजीशन लाइट देखने को मिलती है। बाइक का जो फ्रंट फेस है ऐसा लगता है कि वो आप ही को देख रहा हो, बहुत अग्रेसिव लुक है बाइक का। बाइक में आपको LCD मीटर काउंसिल देखने को मिलता है। बाइक के अगर अपन इंजन की बात करें तो MT में R3 के जैसे ही आपको 321cc का 2-सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो 42 BHP की पावर जनरेट करके देता है 29.5 Nm टॉर्क के साथ। MT-03 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 mm है, और बाइक का अगर अपन वेट की बात करें तो बाइक का वेट 167 kg है फुल फ्यूल टैंक के साथ, और इसकी जो सीट हाइट है वो 780 mm है। बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। ज्यादातर स्पेसिफिकेशन R3 और MT-03 के सेम ही है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। MT-03 आपको नेगेट देखने को मिलती है और R3 आपको स्पोर्टी लुक देती है। फ्रंट में अगर अपन सस्पेंशन की बात करें तो इसमें UHD सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं, और बैक साइड में रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। और ब्रेकिंग की अगर अपन बात करें सेम ही है, अब कुछ अलग नहीं है। R3 और MT-03 सेम कॉन्सेप्ट है। 298 mm की फ्रंट में डिस्क आपको देखने को मिलती है, और रियर में आपको 220 mm की। बाइक में अगर अपन टायर साइज की बात करें तो 110/70/R17 का टायर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, जो ट्यूबलेस है। और साथ ही में अगर अपन बैक टायर की बात करें तो 140/70/R17 टायर साइज आपको देखने को मिलती है, जो भी ट्यूबलेस है। R3 और MT-03 सेम कॉन्सेप्ट पे है। इंजन कैपेसिटी, फ्यूल टैंक, टायर साइज, और इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो भी सभी बाइक में नॉर्मल आ रहा है। बाइक में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है मिडनाइट कियान और एक है मिडनाइट ब्लैक। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो मेरा तो सॉरी, माफ करिएगा। प्राइस में अगर अपन बात करें तो ये R3 से थोड़ा सस्ती रहने वाली है, 4,59,900 की। तो भाई लोग, ये था पूरी बाइक का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।